नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था, यानी कि खास तौर पर सैनिक स्कूल की जिन बच्चों ने तैयारी की थी और एग्ज़ाम दिया था, उन लोगों का एक इंतज़ार खत्म हुआ है। कुछ दिनों पहले हमने ही आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कि कब आएगा सैनिक स्कूल का रिजल्ट। उसमें जो मैंने आपको सूचना दी थी वो ये थी कि सबसे पहले एक प्रोविजनल आंसर की आती है, जो कि इस फरवरी के माह के अंत तक आ जाएगी, और वो आंसर की अब आप लोगों के सामने आ चुकी है। आगे का जो भी उसका प्रोसीजर है उसकी जानकारी उस वीडियो में भी मौजूद थी। और अभी भी मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूं कि ये प्रोविजनल आंसर की है, यानी कि इसमें आप अपने रिस्पॉन्सेस को चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या जो आपने आंसर दिए थे वही सैनिक स्कूल तक पहुंचे हैं कि नहीं, या फिर जो आंसर की आपकी अपलोड हुई है वो सही आंसर की अपलोड हुई है या नहीं। इन केस अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, आपको लगता है कि आपके आंसर की वो नहीं है जो आपने रिस्पांस दिए थे, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल ने जो आंसर बताए हैं किसी खास क्वेश्चन के, अगर आपको उनमें भी कुछ प्रॉब्लम लगती है या आपको लगता है कि वो आंसर सही नहीं है, तो आप ओवरऑल जो सैनिक स्कूल के द्वारा मॉडल आंसर प्रोवाइड किए गए हैं या जो सही आंसर प्रोवाइड किए गए हैं उनको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की या फिर एनटीए की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। वेबसाइट इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, aiswse.ntaonline.in, और यहां पर आपको एक इस तरीके का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का इंटरफेस देखने को मिलता है। इस इंटरफेस में कौन कौन सी जरूरी बातें आपको भरनी है, जरा उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां आपको देखने को मिलेगा द एप्लीकेशन नंबर फुलफिलमेंट। तो आपने जो एग्जाम दिया था उस एग्जाम में आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड में भी मौजूद होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को यहां पर आपने फिल करना है, उसके बाद अपनी जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है उसमें डे, मंथ और ईयर के हिसाब से उसको इस जगह पर फिल करने के बाद आप जो भी सिक्योरिटी पिन जनरेट होगा उस समय पे, जो कि एक केस सेंसिटिव मामला होता है, तो उसको देख करके एग्जैक्टली यहां पर उसको टाइप कर लेना है। ये सब कुछ कर लेने के बाद आप दबाएंगे सबमिट का बटन, और सबमिट का बटन दबाने के बाद आपको इसके आगे जो इंटरफेस देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि आपकी डिटेल्स उसमें खुल जाएंगी। यहां पर आपका नाम, यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, सब कुछ आ जाएंगे। इसके अलावा आपका रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मीडियम ऑफ एग्जाम, सेट का नंबर, बुक नंबर, कौन सी क्लास का एग्जाम आपने दिया था, वो सब कुछ और ये जानकारी यहां पर देखने को मिल जाएगी। यहां से आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उसको जानने से पहले आपको कुछ दो इंफॉर्मेशन यहां पर देखनी पड़ेंगी। पहली इंफॉर्मेशन है तो चैलेंज द आंसर की। तो चैलेंज द आंसर की का मतलब यह है कि सैनिक स्कूल ने जो आपको आंसर बताए हैं किसी क्वेश्चन के, आपको लगता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर सही नहीं बताया है सैनिक स्कूल ने, उसका आंसर सैनिक स्कूल ने जो दिया है वो सही नहीं है, जबकि सही आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जितने सारे क्वेश्चंस आपके हैं उनके आंसर सैनिक स्कूल ने अब बता दिए हैं, आपका जो रिस्पांस है वो दूसरी बात है, ये सैनिक स्कूल की नजर में इन क्वेश्चंस के सही जवाब हैं। अब ये सही जवाब आपकी नजर में अगर गलत हैं, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, चीजें सब्जेक्टिव भी होती हैं और भी बहुत कुछ होता है, और हो सकता है एरर भी हो चुका हो, सैनिक स्कूल के एंड से भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो उसके लिए उन्होंने स्कोप दिया हुआ है। उन्होंने कहा है यू कैन चैलेंज द आंसर की बाय टैपिंग ऑन दिस बटन। अब यहां से उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस आंसर की को चैलेंज करेंगे तो आपको अपने तरफ से यह भी बताना होगा कि आप उसे चैलेंज क्यों कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड क्या आपने आर्ग्यूमेंट पेश किया है या कोई पीडीएफ फाइल या कोई भी फाइल आप उसके साथ अटैच करके दे सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके उस चैलेंज को और ज्यादा पावरफुल बनाएगी। तो ये तो बात रही जब सैनिक स्कूल के दिए हुए आंसर से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यहां पर आप उसे चैलेंज करेंगे और जो चैलेंज करने के बाद स्टेटस है वो आप यहां देख सकते हैं, व्यू चैलेंज ऑन आंसर की, उसका हुआ क्या है, ये टैब वहां पर है, जो कि बात का प्रोसेस है। तो ये तो बात रही जो सैनिक स्कूल ने आपको आंसर्स दिए हैं उनके आधार पर आपको अगर कोई भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आपका पर्सनल ओएमआर शीट का व्यू। आपने जो एग्जाम दिया था उसमें जो आपने ओएमआर शीट फिल की थी उससे रिलेटेड जानकारी के लिए आपको यहां पर टैप करना होगा, चैलेंज ओएमआर शीट या व्यू चैलेंज ओएमआर शीट, ये दो ऑप्शन है। ये आप कब करेंगे, जब आप पहले अपने रिस्पांस देख पाएंगे।
आप अपने रिस्पांस देखेंगे इस वाले टैब को क्लिक करके, व्यू ओएमआर जैसे ही आप डालते हैं तो आपको अपनी ओएमआर शीट विथ योर डिटेल देखने को मिल जाएगी। ये उसका आधा हिस्सा है, इसके ऊपर के हिस्से में आपको अपनी डिटेल्स जो कि अभी हमने आपको दिखाई थी उसी फॉर्मेट में देखने को मिलेंगी, नाम, क्लास एटसेट्रा। यहां पर आप अपनी ओएमआर शीट जो देख चुके हैं उसके बाद ये चैलेंज करने वाला पोर्शन है। अच्छा, तो आपकी ओएमआर शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये रहा, ये एक मॉडल उसका है। तो यहां पर आप ओएमआर शीट देख सकते हैं, और फॉर द सेफ्टी एंड प्राइवेसी ऑफ द स्टूडेंट यहां पर मैं रोल नंबर को थोड़ा सा ब्लर आउट कर देता हूं, टेस्ट बुकलेट नंबर है इसको भी हटा देते हैं। तो खैर, ये होगी आपकी ओएमआर शीट, ये आपने रिस्पॉन्सेज भरे हुए होंगे और आप अब इसको मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। देखिए अब अपने आंसर देखिए, क्या सही ऑप्शन पर आपने टिक किया है या जो ऑप्शन आपने टिक किया था वही यहां पर दिखा रहा है या नहीं। उन सबको देखने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद आप चीजों को देख सकते हैं आगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इनकेस आपको लगता है कि कोई भी ऑप्शन आपने जो फिल किया था वो यहां पर मार्क नहीं दिखा रहा है तो आप उसे फिर चैलेंज कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो दूसरे नंबर का टैब था चैलेंज ओएमआर शीट, आपको यहां पर इसको क्लिक करना होगा। एंड व्हेन यू गो टू चैलेंज द ओएमआर शीट देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर, जो कि नीचे और आते रहेंगे, आपको करेक्ट आंसर जो ऑप्शन के जो सही जवाब है वो यहां पर देखने को मिलेंगे, और जो आपने चैलेंज करना है, एक्चुअली यू हैव गिवन द थर्ड राइट ऑप्शन इन दोज थ्री क्वेश्चंस, तो आपको अगर चैलेंज करना है तो आप यहां पर नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो भी है उसको चैलेंज करते हुए पेश कर सकते हैं। और उसके बाद आपको देखिए यहां पर चूज फाइल ये एक देखने को मिल रहा है, तो यहां से आप क्या करना है, आपको जो कैंडिडेट हैं उनको एक डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करना होगा इन सपोर्ट ऑफ देयर चैलेंज। किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको आपत्ति है या आपने सही जवाब नहीं दिया था तो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करके यहां पर उसे चैलेंज करते हुए अटैच फाइल या पीडीएफ फॉर्मेट में देना पड़ेगा। और ये जो पोर्शन है यहां पर आप मिनिमम या मैक्सिमम सॉरी 1 MB की साइज की जो फाइल है इन पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं, और उससे आपकी जो चैलेंज है उसको थोड़ा वजन मिलेगा और फिर वो कंसिडर की जाएगी। आफ्टर चैलेंजिंग द आंसर की और आफ्टर चैलेंजिंग द ओएमआर शीट यू हैव टू वेट फॉर अ वीक एटलीस्ट, एक हफ्ते का समय आपको जरूर देना चाहिए। जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा वो आप चेक कर सकते हैं लेटर ऑन यहां से। यहां पर अगर आपने आंसर की को चैलेंज किया है तो व्यू चैलेंज ऑन आंसर की, उसका क्या स्टेटस है जो आपने चैलेंज किया था वो यहां से देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने ओएमआर शीट को चैलेंज किया तो यहां पर व्यू चैलेंज ओएमआर शीट ये टैप करके आपको अपने जो भी आपने चैलेंज दिया था उसको उसका रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है ज्यादातर केसेस में कोई भी बच्चा शायद ही इसको चैलेंज करेगा, क्योंकि ज्यादातर केस में ऐसी गड़बड़ियां होने की संभावना कम है। ये पूरी इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए थी जिनका इन केस सम सर्कमस्टेंसेस की वजह से या फिर कहो कि एक रेयर ओकेजन में किसी को अगर चैलेंज करने की नौबत आती है तो ये पूरा प्रोसीजर है। अल्टीमेटली आपको जो कंसीडर करना है वो ये है कि आप इस ओएमआर शीट को देखें और इस हिसाब से जो मॉडल या सही आंसर, करेक्ट आंसर सैनिक स्कूल ने प्रोवाइड किए अपने आंसर की में, उनसे इन्हें मैच कीजिए। तो आपको अपना एक्चुअल स्कोर पता चल जाएगा कि आपने एग्जाम में एटलीस्ट कितने मार्क्स लाने की तैयारी कर ली थी। यहां से जो स्कोर मिलता है वो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस से मैच कीजिए कि कट ऑफ कितना रहेगा, ई काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, कौन से सैनिक स्कूल की कितनी कट ऑफ जा सकती है। उन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप ये याद रखिए कि आगे जो ई काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है उसमें आपको अब क्या रिस्पॉन्स करना है अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, क्योंकि ये आइडिया आपको मिल चुका होगा अब ओएमआर शीट को देखने के बाद कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। और इस तरीके से आप आज इस पूरे जो आंसर की से रिलेटेड अपडेट आया है इसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इन सभी बातों से रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलेंगे फिर किसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।